Good morning, everyone. Yesterday we have done multiplication, including addition, subtraction, and multiplication. So today we are going to do exercise 6E, which is on page number 43. That is word sums. So starting from first question, that is a building has 35 floors. Each floor has 8 flats. How many flats are there in the building? Now, एक बिल्डिंग में 35 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर में कितने फ्लैट्स हैं? 8 फ्लैट्स हैं. हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर इन द बिल्डिंग? सो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको 8 से 35 को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ बस मेक्स 6 ट्रिप्स बिटवीन हावड़ा एंड सॉल्ट लेक एवरी डे. 64 पीपल ट्रेवल इन द बस. ऑन ईच ट्रिप हाउ मेनी पीपल ट्रेवल इन द बस एवरी डे? सो इन दिस वन यहाँ बताया हुआ है कि एक बस जो है वो 6 ट्रिप्स लेती है. कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से सॉल्ट लेक तक एवरी डे. और 64 पीपल ट्रेवल इन द बस ऑन ईच ट्रिप. और हर एक ट्रिप में 64 जो थे ट्रैवलर्स होते हैं, लोग होते हैं जो उसमें बैठ के जाते हैं. हाउ मैनी पीपल ट्रैवल इन द बस एवरी डे? अब एवरी डे यानी हर रोज कितने जो है ट्रैवलर्स उसमें ट्रैवल करते हैं वो हमें बताना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द 64 बाय द 6. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्वेश्चन इन दिस डैश फॉर्म एंड देन द स्टेटमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. पीपल ट्रैवल ऑन ईच ट्रिप. ईच ट्रिप में कितने पीपल ट्रैवल कर रहे थे? 64. एंड टोटल ट्रिप्स एवरी डे, जो एवरी डे टोटल ट्रिप्स हो रही थी वो कितनी थी? 6. सो वी हैव टू फाइंड पीपल ट्रैवल एवरी डे. एवरी डे में कितने पीपल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं? सो 64 मल्टीप्लाई बाय 6. 6 into 4 is 24, 4 here, 2 carry forward, 6 into 6 is 36 and 36 plus 2 is 38. So 384 people travel every day in the bus. Next sum is question number 3, a box holds a dozen. Dozen means in one dozen there are 12 units. So a dozen, that means 12 pens. How many pens are there in 72 such boxes? अब एक बॉक्स में जो थे 12 पेन्स हैं, हमें बताना है कि 72 बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे. व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई 12 टू दिस 72. आपको 12 और 72 को मल्टीप्लाई करना है. सो दिस क्वेश्चन यू विल डू ऑन योर ओन. क्वेश्चन नंबर 4, अ रीम ऑफ पेपर. रीम जो होती है वो क्या होती है? आपने A4 साइज शीट के पेपर देखे हैं ना, सो उसके जो बहुत सारा बंडल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रीम. सो अ रीम ऑफ पेपर मीन्स 500 शीट्स ऑफ पेपर. जो ये रीम है उसमें कितने शीट्स ऑफ पेपर है? 500. हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन 32 रीम्स? हमें यह बताना है कि 32 ऐसे रीम्स होंगी तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी होगी, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे. सो नंबर ऑफ शीट्स इन अ रीम, वन रीम में 500 पेपर्स है. नंबर ऑफ शीट्स इन 32 रीम्स, अब ऐसे 32 रीम्स होंगी तो उसमें कितने पेपर्स होंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 इज 10. नाउ हमने 1 से कर दिया तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? 0. देन मल्टीप्लाई विथ 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15. नाउ एड द नंबर्स 0 0 0, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 1. सो देर आर 16,000 पेपर्स इन 32 रीम. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 यू विल डू ऑन योर ओन. इन क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 245, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ? सो यहाँ पे 1 मीटर की जो कॉस्ट बताई हुई क्लॉथ की वो 245 है. अब ऐसे 36 मीटर का अगर हम क्लॉथ लेते तो कितना हो जाएगा टोटल रुपीस? कॉस्ट आपको फाइंड करनी है बाय मल्टीप्लाइंग 245 एंड 36, दोनों को मल्टीप्लाई करके. एंड इन क्वेश्चन नंबर 6, देर आर 178 50 रुपी नोट्स इन अ बैग. हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग? सो इन दिस वन 178 50 रुपीज नोट्स है. सो आपको 178 को 50 से मल्टीप्लाई करना है इन क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो जनवरी में हमें नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं. हियर यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, दैट जनवरी हैज़ 31 डेज. जनवरी में 31 डेज होते हैं एंड इन अ डे, वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. एंड वी हैव टू काउंट की नंबर ऑफ आवर्स जो है इन द मंथ ऑफ जनवरी कितने होंगे. सो हमें क्या करना है? 31 को 24 से मल्टीप्लाई करना है. लेट्स मल्टीप्लाई. 4 इंटू 1 इज 4,
4 into 3 is 12. Now 1's की प्लेस पे मल्टीप्लाई हो गया, सो हम यहाँ 0 लगाएंगे. 2 into 1, 2, and 2 into 3 is 6. Add the numbers. 4, 2 plus 2 is 4, 6 plus 1 is 7. So 744 hours are there in the month of January. Question number 8, you will do on your own. In this one, each class in a school has 3 sections. अब एक स्कूल में हर एक क्लास में, इन ईच क्लास देर आर 3 सेक्शन, सबके 3-3 सेक्शन है क्लास के. ईच सेक्शन हैज 40 स्टूडेंट्स, और हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स. वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेज 1 to 10? अब 1 से लेके 10 तक की क्लासेस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं. सो आपको इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सेक्शंस. सो सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक की क्लासेज है? फ्रॉम 1 to 10. सो 1 to 10 क्लासेज है टोटल. सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज आर 10 ओनली. 1 से 10 क्लासेज है तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज 10 हो गई. नाउ ईच क्लास हैज 3-3 सेक्शंस. सो 3-3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग हमें इस क्लास को 10 से मल्टीप्लाई करना, इट विल बी 30. सो टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शंस आ गए आपके वो कितने हो गए? 30. अब आपको इस 30 को 40 से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ वीक. अब 1 week में कितने मिनट्स होते हैं वो हमें बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1 week देर आर 7 days, राइट? एंड इन 1 day हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ डे? देर आर 1440 मिनट्स. और हमने ये मिनट्स क्यों निकाले हैं? बिकॉज हमें ये बताना है कि 1 week में कितने मिनट्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें पहले बताना पड़ेगा कि 1 day में कितने मिनट्स होते हैं. सो इन 1 day देर आर 1440 मिनट्स, राइट? अब हमें बताना है नंबर ऑफ मिनट्स इन अ वीक. और 1 week में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं. सो हमें इस 1440 को 7 से मल्टीप्लाई करना. सो 7 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 4 28, 8 ईयर टू कैरी फॉरवर्ड. 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 2 30, सो 0 ईयर 3 कैरी फॉरवर्ड. 7 इंटू 1 इज 7 एंड प्लस 3 इज 10. सो देर आर 10,080 मिनट्स इन अ वीक. नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 5 hours? सो हमें अब यहाँ पे बताना है 5 hours में कितने सेकंड्स होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर इन 1 hour देयर आर 3600 सेकंड्स. सो इन 5 hours इट विल बी, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3600 बाय दिस 5. सो 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 6 इज 30, 0 ईयर 3 कैरी फॉरवर्ड. 5 इंटू 3 इज 15 एंड 15 प्लस 3 इज 18. So 18,000 seconds are there in 5 hours. So children, in homework you have to do all the questions from question 1 to question 10 in your notebook, including which question I have solved here. And you have to prepare exercise 6A to 6D for your test that will be taken tomorrow. Thank you.